हेलो फ्रेंड्स, क्या आप उन लोगों में से हैं जो कि 1 करोड़ का बजट लेके अपने लिए रेजिडेंशियल ढूंढ रहे हैं, लेकिन मिलती हैं सिर्फ पुराने सोसाइटीज जिसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देखकर लगता है डर? तो ये नया ऑप्शन आपके लिए है। और आजकल आप जानते हैं कि सारी नई सोसाइटी जो लॉन्च हो रही है वो 3, 5, 7 करोड़ की रेंज में लॉन्च हो रही है। यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए 2.5 BHK विद बेसमेंट स्पेस विद स्टोर रूम, आपको सिर्फ 1 CR से नीचे, और 3 BHK 3 टॉयलेट विद बेसमेंट स्पेस विद स्टोर रूम 1.24 CR में। इंटरेस्टेड? तो ये वीडियो आपके लिए है। ये है हमारी साइट, और लास्ट ईयर भी मैंने वीडियो डाला था जब GMS द नेशन के नाम से ये प्रोजेक्ट आया था सेक्टर 95 में। ये लोग सिर्फ प्लॉट्स बेच रहे थे, अभी उसी टाउनशिप में अपने लो राइज अपार्टमेंट्स लेकर आया है बिल्डर। तो आसपास की आप देख सकते हैं, सारी सोसाइटीज आसपास में भरी हुई हैं। सबसे फेमस यहाँ पे सारे होम्स है ही, बड़ी सोसाइटी है। इसके आसपास में स्कूल्स, हॉस्पिटल, सारे ही ऑप्शंस मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताए थे, फिर भी थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ। DPS, सेंट जेवियर्स, RPS, यदुवंशी, सूरज स्कूल, सारे आसपास में हैं। RV हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल दोनों पास में ही हैं। अच्छा खासा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर है। मार्केट की बात करें तो GMS क्रॉस वॉक फंक्शनल हो चुकी है, उसमें काफ़ी शॉप्स खुली हुई हैं। स्पेस TriStar खुली हुई है, अभी थोड़ी सी कम शॉप्स उसमें खुली हैं, बट नेचुरली अच्छी मार्केट पास में वही रहेगी। GMS की अपनी मार्केट भी है सोसाइटी की, जो कि इस आपके फ्लोर्स के साथ बनकर रेडी हो जाएगी। सोसाइटी में एक लग्जरी सोसाइटी की सारी ही अमेनिटीज हैं, जिस पर कि हम बाद में आएंगे, पहले हम चलेंगे लेआउट्स में। अपना कॉन्फ़िगरेशन रहेगा स्टिल्ट प्लस 4 का। स्टिल्ट पे पार्किंग रहेगी, उसके ऊपर 4 फ्लोर्स हैं और ऊपर टेरेस। बेसमेंट में स्पेस 3 लोगों को दिया जाएगा। फ्लोर नंबर 1, 2 और 3 में आपको बेसमेंट में स्पेस मिलेगा, और जो फ्लोर नंबर 4 लेगा उसको पूरा टेरेस का राइट्स मिलेंगे। पर बिल्डिंग 1 लिफ्ट रहेगी, और इस प्राइस में इंक्लूड है आपका मॉड्यूलर किचन, ACs और वीडियो डोर फोन्स। लिविंग डाइनिंग में मार्बल रहेगा, बाकी जगह टाइल्स रहेंगी। पेमेंट प्लान की बात करें तो पेमेंट प्लान में आपको मिल जाता है 10% की बुकिंग, उसके बाद 45 डेज में आपको 25% पूरा करना है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान चलेगा अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन। अब चलते हैं हम अपने लेआउट्स की तरफ। 2 BHK में अपने पास 2 साइज हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं 10x11 के आपको बेडरूम्स मिल जाते हैं, एक के साथ अटैच वॉशरूम है, एक वॉशरूम कॉमन है। किचन भी 6x8 का आ जाता है, 6x9 कह सकते हैं इसको। साथ में 7.6x8.10 की स्टडी मिल जाती है, जो कि अच्छा खासा है। बच्चे का बेडरूम भी आप इसको बना सकते हो। दोनों साइड में बालकनीज मिल जाती है, और 12x14 का लिविंग रूम मिल जाता है हमें। स्टिल्ट पे 4 पार्किंग है, और उसके साथ में आपको स्टोर रूम्स दिए गए हैं। मेड्स वगैरह के लिए कॉमन टॉयलेट नीचे ही दिया गया है। हर बिल्डिंग में 1 लिफ्ट रहेगी। तीसरा अपना 3 बेडरूम 3 टॉयलेट, और तीनों में ही आप देखें, 2 BHK के साइजेस में भी और 3 BHK में भी, बेसमेंट में 1st, 2nd और 3rd फ्लोर वाले को स्पेस दिया जा रहा है, 4th फ्लोर को कंप्लीट रूफ राइट्स मिल रहे हैं। 3 BHK में बात करें तो रूम साइजेस आ जाते हैं आपके 10x7x11, उसमें कैबिनेट स्पेस अलग है, और दूसरा भी 10x11 है। तो रूम साइजेस अपना ग्रॉसली बात करें तो 10x11 का ही मिलेगा आपको इसमें, जो कि बहुत बड़ा नहीं है बट ठीक ठाक है। पाउडर रूम 3 BHK में मिल रहा है आपको अलग से। अच्छी बात यह है कि आपके इसके साथ में आपको बेसमेंट में एक रूम मिल गया, जिसको ऑफिस या स्टोर आप जैसे भी चाहें यूज़ कर सकते हैं, और एक स्टोर स्टिल्ट पे अलग से भी अवेलेबल है। तो ये प्राइसेस हो गए फ्रेंड्स, एमिनिटीज़ की तरफ चल लेते हैं। ऑलमोस्ट सोसाइटी में जो एमिनिटीज़ सब जगह आपको मिलती है, सभी इसमें मिल जाती हैं। एक अच्छी खासी प्रॉपर सोसाइटी है, एक ब्यूटीफुल सोसाइटी जिसमें कि आप कंफर्टेबली अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं। प्राइसेस मैंने आपको बताया है, पेमेंट प्लान बताया है, बाकी डिटेल्स के लिए, ब्रोशर के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे भी हमसे डिटेल दे सकते हैं। तो इस तरह के फ्रेंड्स वीडियोज हम आपके लिए लेकर आते थे प्रॉपर्टी रिलेटेड। अगर आप और कुछ जानना चाहें तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। इस तरह के और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स नई वीडियो में।